जो तुमने मांगा मैंने वही दे दिया, लेकिन तुम्हारी आंखें में पानी है फिर भी तुम मेरे दरवाजे से हट नहीं रही है, कारण क्या है? कारण ये है क्या कि चाहे इन पांच बानों को वापस ले ले बेटा, अच्छा, पर एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे। माँ? जब तक तुम मुझे माँ नहीं कहोगे, जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें माँ नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते बेटा? क्यों? चलो मैंने मान लिया तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और मैं तुम्हें माँ भी कह दूंगा, लेकिन एक भेद मेरे सामने तुम साफ साफ खोल करके बता दो। कौन सा? कि जब तुमने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा और मुझे जन्म दिया, तब तुम्हारी अवस्था कवारेपन की थी। तुम कवारी थी? हाँ। कवारेपन में तुमने मुझे गर्भ में रखा और जन्म दिया। हाँ बेटा। और दुनिया के लोक लाज डर भय के कारण तुमने गंगा नदी में बहा दिया। हाँ। लेकिन मैंने मान लिया कि माँ तो मेरी कंती कुंती है, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरे पिता कौन है? भाई मेरी माँ कुंती है, लेकिन कुंती उस समय कवारी थी, ये मुझे पता लगना चाहिए कि माँ मेरी कुंती है तो पिता मेरे कौन है? तो तुम अपने पिता के बारे में सुनना चाहते हो? मुझे सच्चाई बता दो फिर तुम्हें मैं माँ कह दूँ। अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो तुम मुझे माँ कह दोगे? तुम्हारी बातों से अगर सच झलका तो मैं माँ कह दूंगा। तो बेटा, हाँ, एक समय की बात है। क्या? एक रोज का जिक्र करूं, दुर्वासा ऋषि आए थे और वशीकरण मंत्र सेवा मने दुर्वासा ते पाए थे। अच्छा। मने मंत्र पे विश्वास करया ना, सूरज पे अजमाया था और ना मिटे ऋषि के वचन करण मने न्यू कुवारी ने जाया था। एक समय की बात है कि जब मैं कुवारी थी तो हमारे महलों में दुर्वासा ऋषि आए। अच्छा। मैंने उनकी बहुत सेवा की। अच्छा। और वो मेरी सेवा से खुश होकर मुझे उन्होंने एक मंत्र दिया और उन्होंने ये कहा कि इस मंत्र का जाप जिसका भी नाम लेकर मैं करूंगी उसी के आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। मैंने मंत्र पे विश्वास नहीं किया और सुबह होते ही नहा धोकर सूर्य देव का नाम लेकर इस मंत्र का जाप कर दिया। सूर्य देव के आशीर्वाद से मुझे तुम्हारी यानी कि करण की प्राप्ति हुई, इसलिए मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। और अब भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो जो तुम्हारे मस्तक पे ये सूर्य का निशान है, ये साबित करता है बेटा कि तुम कुंती पुत्र के साथ साथ सूर्य पुत्र भी हो। तो मैं सूत पुत्र नहीं कुंती पुत्र हूँ, और मैं सूत पुत्र नहीं बल्कि मैं सूर्य पुत्र हूँ। हाँ बेटा, ये तुम्हारे जीवन की सच्चाई है और मेरे जीवन की सच्चाई है। हाँ। जाओ मैं तुम्हें माँ तो कह दूंगा, लेकिन जो भेद मेरे सामने खोला है इस भेद को किसी और के सामने जाकर के मत खोल देना। क्यों? अरे मैं दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ कि करण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र है, फिर क्यों नहीं बताने देते? दुनिया वालों को पता लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आदमी को अगर पता लग गया तो तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। किसको? मेरी बात मान लेना, अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुम्हें माँ कहूंगा, जब तक जीऊंगा जब तक तुम्हें माँ मानूंगा। क्या बात मानूं बेटा? बस एक कहना मेरा, पुगा दे सुन मेरी बात। कहिए। अरे मैं तो उसे समुंदर मानूं, जिसमें हो गहराई बस धर्म ये दुष्टर। हाँ। धर्म ये दुष्टर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई रे, करण तुम्हारा भाई उसे समुंदर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई। आखिर क्यों ना कहूं बेटा? यूं फिर पाछे पछतावेगी हो, फिर
पछे पछतावेगी जो एक बेखुलिया बात दिखे सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे सर्वग्रहण सा हो जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे और राज पार्टी और बहु बेटा ते धो बैठेगी हाथ दिखे धो बैठेगी हाथ दिखे मैं क्या कर देता क्या कर देते मैं क्या नहीं होने देता क्या नहीं होने देते बेटा अरे पहले खुल जा भेदी अगर तो पहले खुल जा भेदी अगर तो मैं चार रचान ना देता जो तेरे साल बनो मैं काटे मैं कष्ट उठाने ना देता अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता चाहे इंद्र करता हाँ। जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता हाथ लगाने ना देता अरे इतनी कह के करण बलि की इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई धर्म धिकर मत कहिए करण तुम्हारा सब कुछ हुआ है महारानी तुम्हारे कारण हुआ अगर पहले भेद लग जाता तो मैं सब कुछ होने नहीं देता ना जुए का खेल होता ना पांडवों को वनवास मिलता ना द्रौपदी का चीर खिंचता दुशासन की मंजाल नहीं कि द्रौपदी के चीर के हाथ भी लगा देते लेकिन सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ मैं जानती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और ये भेद अगर खोल दिया तो और उसका जो परिणाम निकलेगा वो भी सिर पर तुम्हारे कारण निकलेगा वो कैसे बेटा पांडव ने 13 साल बना में रह करके बड़े बड़े कष्ट सहे हैं हाँ। 13 साल तपस्या करी है पांडव ने उन्हें तपस्या का फल जो मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं अगर भेद खोल दिया तो वो कैसे सुनो मेरी बात जो डोल के मंजिल डुल आए हो आए वो तो डुले डुलाए रह जागे हिरते अंदर घाव छुले छुले छुलाए रह जागे और अरमानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जागे और वेद बता दिया तो तेरी बहू के केस जगत में माँ खुले खुलाए रह जागे तेरी भी क्या मेरी भी माँ तेरी भी क्या मेरी भी माँ इतने मान भलाई धर्म निकल मत कहिए करण तुम्हारा भाई ने माँ करण तुम्हारा भाई ये हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा बड़ा भाई है धर्म युधिष्ठिर युद्ध नहीं करेगा वो धर्म का प्रतीक है धर्म के रास्ते पर चलने वाला तुम जाकर के इस बात को कहोगी कि करण तुम्हारा बड़ा भाई और मैं करण की माँ हूं करण भी तुम्हारी तरह मेरा छठा पुत्र है वो विश्वास नहीं करेंगे वो नेम और धर्म उठ जाएंगे और जब नेम धर्म उठा करके तुम उन्हें विश्वास दिलाओगी
तो युद्ध में तो मरे या ना मरे, लेकिन वो कायल होकर के वो इतने लज्जित हो जाएंगे कि वो मरने के लिए जगह ढूंढेंगे। अगर मेरे सच बताने पर मेरे बेटे का ये हाल हो सकता है तो बेटा मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगी। अरे भेद बात का खुल जा गाते, ने मर धर्म उठ जागे, एक बोल पे पता नहीं किस किस के प्रण टूट जागे। मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छोड़ जागे, कुछ मरे कटारी मार और कुछ विष के घूट घूट जागे, विष के घूट घूट जागे। पूरा परण करण खातर हो, पूरा परण करण खातर बैठे आश लगाई, घर में रह कर मत कहिए फैसले तुम्हारे हाथ में है कि कुछ मरे के टारी मार और कुछ विष के घुट घुट जाएंगे। तुम कहते हो कि सच को किसी को ना बताऊं। ना बताओगी तो फायदे में रहोगी। मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन फायदा कैसे होगा बेटा? बहुत बड़ा फायदा होगा। कैसे? तुम्हें सारा संसार पांच बेटों की माँ कहता है। अगर तुमने ये सच, अगर तुमने ये बात यहाँ की यही दबा करके छुपा करके रखी तो इसमें मेरी भलाई नहीं, मेरी माँ कुंती की भलाई होगी। वो कैसे? तुम्हारे पांच पुत्र हैं तो तुम्हारे पांच ही जिंदे नहीं। लेकिन मेरे छह पुत्र हैं, और मैं छहों को ही जिंदा देखना चाहती हूँ बेटा। तुमने भीख मांगी है पांच बेटों की, छह की नहीं मांगी। तुमने पांच पुत्रों की जान की भीख मांगी है तो पांच ही जिंदे रहेंगे। युद्ध होगा, युद्ध टलेगा नहीं, युद्ध जरूर होगा, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या होगा? कि आशा तृष्ण मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे, इन बातों के सबके दिल में धरे ख्याल रह जाएंगे, कर्ण अर्जुन के बाणों से धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे, और कर्ण मरे या अर्जुन मा तेरे पांच लाल रह जाएंगे। ये समय बताएगा कि कौन सा जिंदा रहेगा। और तुमने अगर भेद खोल दिया तो सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा। मैं नहीं खोलूंगी इस भेद को बेटा। दुनियादारी के झंझट ने, दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जाएगा। इन बातों अरे इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जाएगा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जाएगा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट ऊट बैठ जाएगा।